है गोरखपुर के है ना? अरे गोरखपुर, अरे गोरखपुर से। अरे वाह वाह वाह, गोरखपुर वाले टैलेंटेड ही रहते हैं। भाई ने जो गाना गाया ना, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता, इतना अच्छा गाना। हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ, और आज ऑफिस में देखो कौन आया है। मीट माय कम टू माय व्लॉग बेबे, क्या बोलते सचिन भाई? भाई, और आप मेरे व्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? मस्त भाई, आज मचाने वाले हैं हम लोग। और सचिन का भी, सचिन का भी छुट्टी है, और सचिन ने मुझे कॉल किया, मैं बोला भाई आजा, चलते फिर कहीं प्लान करते घूमने के लिए। और मैं तो बोलता थोड़ा सा, मैं जिस तरह से थोड़ा वेट कर रहा था उसके लिए सॉरी। मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि हम कहाँ जाने वाले, वो भी हम रिवील करेंगे। और मेरे साथ एक और शख्स है जो बहुत बड़े स्टार है, अपकमिंग स्टार, क्या बोलते हैं पिंकेश? तो अभी ब्लॉग है ना, एंड तक देखना, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी जगह अविनाश भाई हमें लेके जाने वाले, तो लेट्स सी आगे देखते हैं। और उधर हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और आप लोगों को एकदम अलग ही एक्सपीरियंस देंगे। तो मिलते हैं हम आगे। सचिन देखो कहाँ बैठा है, और कैसा लग रहा है व्लॉग में मेरे सचिन भाई? आज तो सीरियसली मतलब थका दिया है भाई, स्टेशन आते आते हम इतना थक गए और इतना भाग भाग के आए ना गाइस, क्या बताओ आप लोगों को। लेकिन मजा आने वाला है, जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ बहुत मजा आने वाला है। और मैं तो बोलता हूँ, बता देता हूँ कि कहाँ जाने वाले। अभी नहीं बता देते ना, आज सचिन, अरे बता देते भाई। मेरे को लगता है कि हम जा रहे हैं, शायद से बता दूँ, थ्री, मेरे को लगता है क्या, जाना ही ना। हाँ, तो अभी हम जाने वाले हैं खोपोली। तो अविनाश सो गया है, और मैं जोर से नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि अविनाश सो गया है और स्टेशन आने वाला है। तो अभी कुछ करता हूँ, मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, बट मैं ये देखो पानी का बॉटल है, सचिन डाल दूँ क्या? डाल दे भाई। यार भाई मेरे को डर लग रहा है, अविनाश गुस्से में होके मेरे को मारे ना। खोपोली आने वाला है भाई, खोपोली स्टेशन आने वाला है, और भाई साहब सोया है। अरे यार क्या कर रहे हैं पिंकेश भाई? स्टेशन आने वाला सोया है, तो उधर कैमरा चालू है। अरे कैमरा चालू है, ब्लॉग, अच्छा ब्लॉग चालू है क्या? सोया है तो ब्लॉग चालू करके पानी मार रहा है मेरे मुँह, समझ में नहीं आता। देखो भाई सोया है, तो जो सोया वो खोया, अभी जो सोया खोया अभी ट्रेन में। अभी देखो, अभी पिंकेश ने मेरे ऊपर, पिंकेश को भी बताता हूँ क्या रे जाता। अरे भाई मार मत भाई, मेरे को मालूम था ये गुस्सा हो जाएगा, अभी इतना गुस्सा नहीं है, मगर ठीक। चलो मिलते हैं फिर आगे। और फाइनली पिंकेश स्टेशन आया, और पिंकेश नीचे उतर गया। नीचे क्यों उतर गया पिंकेश भाई? मैं बहुत मतलब अभी ऐसा लग बोर लग रहा है क्या? देखो ट्रेन में बोर नहीं लग रहा है, अभी मेरे को रुका नहीं जा रहा है। इतना प्यारा प्यारा लोकेशन है ना भाई, क्या बोलूं तेरे को, बहुत भारी भारी लोकेशन है। रेडो का हमारा दोस्त आया है भाई, साइकिल इसको दे देना, थोड़ा ग्राउंड मार ले। विजय सिंह ना? हाँ ये देखो विजय सिंह बोल रहे भाई, अविनाश सिंह नाम है। देखो पिंकेश के फैन मिल गए, चलो भाई, चलो ठीक है, बाय बाय। और फाइनली हम लोग खोपोली पहुंच चुके हैं, और यहाँ हमें बहुत अच्छे प्यारे दोस्त मिले जो बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, और इनके साथ सफ़र करके हमारा सफ़र कट गया, और इन्होंने बहुत प्यारा प्यारा गाना गाया। और आप भाई इतना टैलेंटेड कहाँ से हो? गोरखपुर के है ना? अरे गोरखपुर से। अरे वाह, गोरखपुर वाले टैलेंटेड ही रहते हैं। और भाई ने जो गाना गाया ना, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता, इतना अच्छा गाना। भाई आप इधर नहीं यार, आपकी जगह कहीं और है, इंडिया का गॉड टैलेंट में जाओ आप। एक बार गाना गा के सुनाओ वाला, मेरा सुन के ना मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। तो एक बार आप भाई, आप कहाँ जा रहे हो? आपका नाम क्या है? दिनेश भाई गाना गा के दिखाओ यार, जो ट्रेन में। देखो शर्माओ मत, अभी शर्माओ मत, चलो आप गा दो। निबिया के डाड़ी मैया झूले ली झुलुआ की, झूले झूले ना कि मैया मोर डारे ली झुलुआ की, झूले झूले ना झूलता झूलते माई के लगे ली पियसिया हो कि झूले झूले
की मैया मोर डारेली झुलवा हो कि झूले झूले ना। बहुत अच्छा गाना गया है, दिल जीत लिया भाई यार, इतना टैलेंट यार, कहाँ से हो आप? गोरखपुर के हैं भाई। अरे यार गोरखपुर वाले भाई क्या बोलते, बहुत अच्छा गाना गाया है जिन्होंने, और ऐसे ही आप आगे बढ़ो, और आप माता रानी का आपका हमेशा दुआ रहे, और आप काम में सक्सेस रहो। पूजा करता है हम, मिलते हैं। और आपका नाम बता दो भाई। राम निषाद जी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा, चलो मिलते हैं फिर, हो सके हम दोबारा फिर मिले, ऐसे टकरा जाए सफर में। हाँ पक्का 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 भाई पक्का। तो फाइनली अभिनाश भाई, और फाइनली हम लोग आ चुके हैं आदित्य और आयुष, मेरे कजन ब्रो जो रहते हैं खपोली में। और आदित्य कैसा है? और आदित्य, जब आदित्य से जब मैं मिला था तो आदित्य छोटा था, भी बहुत बड़ा हो गया है, क्या बोलते हैं, कौन सी क्लास में चले गए? और पीछे हमारी दादी आ रही है, तो दादी जी को नमस्ते। कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये देखो आदित्य, अरे आदित्य और हमारी बुआ, प्यारी बुआ जो खपोली में रहती है। और हाय वेलकम टू द ब्लॉग। मेरे को नहीं पता। बोलो हाय। और यहाँ हमें सबसे प्यारी बच्ची मिली है, और चाय हम पी रहे हैं, चाय तो ठंडी हो गई, लेकिन नहीं गर्म नहीं, मस्ती कर रहा हूँ, अच्छी चाय मस्ती। अरे आयुष पीना, चाय पीना, चाय पीना। तेजू आप चाय नहीं पीते हो? क्यों आप चाय कैसे लग रहा है आपको ब्लॉग में? अच्छा लग रहा है। अभी आप कौन से क्लास में? पंखा इसलिए बंद किया क्योंकि नॉइस आता है, तो पंखा चालू कर दो, कर दो कर दो कर दो, चलेगा चलेगा, चालू कर दो। आपका हाथ नहीं जा रहा, आप कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए, आपने पंखा चालू किया? नहीं आप उड़ जाओगे ना। और आदित्य एक्चुअली मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्लॉग चालू है और आदित्य कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्यों ऐसा? तो बहुत हो कर रहा था ना, नर्वस फील कर रहा है। और ये तेजू ने क्या लेके आई, क्या है तेजू आपके पास? क्ले। फाइनली तेजू का बाल टूट गया है वहाँ। कद्दू की सब्जी पहाड़ के बाजू में कद्दू की सब्जी। कौन सा बने? ये समुद्र में वो रहते हैं, ये सिप सिप। हाँ ये मोती मोती रहता है, मोती रहता है, इसे बंद करके रखते हैं, ये तो मोती चले जाएगा, मोती हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये पनीर, क्या है वो? पनीर की भाजी। और मैं आयुष की इधर आया, और आयुष मेरा एक कजन ब्रदर है, और इसके पास आया तो आने के बाद तेजू थी, जो मैंने तेजू के लिए मैंने चॉकलेट नहीं लिया तो मुझे बुरा लग रहा है, और तेजू ने इतना सारा टॉय वॉय दिखाया, तभी मैं जा रहा हूँ तेजू के लिए। तेजू को कौन सा चॉकलेट पसंद है? किटकैट। ठीक है, किटकैट सबसे बड़ा वाला किटकैट लेंगे और तेजू को देंगे। और अभी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और जा रहा हूँ चॉकलेट लेने, और सबके लिए कुछ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को ऐसा थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेना चाहिए, बाहर का, घर का तो खाते ही है, तो सबके लिए कुछ लेंगे। आयुष क्या ले? वड़ा पाव ले। अच्छा अच्छा, मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव लेंगे, और सब लोग खाएंगे स्नैक्स और इन्जॉय करेंगे। तो तेजू के लिए मैं खास जा रहा हूँ, क्योंकि अरे यार ऐसा होता है कभी कभी कि हम गाई गाई में अपना रिलेटिव के घर पे जाते हैं तो भूल जाते हैं लेना, तो लेना ज़रूरी है कोई भी चीज़ें खाने के लिए। जैसे हम जाते हैं तो फ्रूट्स लेके जाते हैं, तो मैं फ्रूट्स भी नहीं ले पाए क्योंकि एक्चुअली मैं भी काम से आया था, और बुरा लग रहा है। और आयुष सॉरी यार। और फाइनली हम लोगों ने ले लिया है, क्या बोलते आयुष? पार्टी क्या बोलते? और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तेजू के लिए मैंने कुछ लिया नहीं, लेकिन अभी तेजू बहुत खुश हो जाएगी इतना सब देख के। और क्या लगता है तेजू का रिएक्शन क्या रहेगा? सरप्राइज सरप्राइज गाइस सरप्राइज। हाँ, और
लगता है कि वो फ्रिज में ताला लगा के रखेगी। चलो देखते। अच्छा मैं दूँ? ओके 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 ठीक है ठीक है। 3, 2, 1 गो तेजू के लिए। अच्छा दिखा दो से, दिखा दो से, दिखा दो से, दिखा दिखा। किटकैट का क्या आ गया है? इससे जो ओरियो वाला कैडबरी ला देते। एक इसके लिए, एक इसके लिए, पकड़ पकड़। सब तेजू के लिए, सब तेजू के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो आपके लिए, वो आपके लिए, आपके लिए, ओनली तेजू के लिए। नहीं सिर्फ तेजू के लिए, सिर्फ तेजू के लिए। थैंक यू तो बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने आप खाओ। खोपोली में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? और सचिन का भी छुट्टी था तो सचिन ने सोचा कि चलो अविनाश भाई के साथ थोड़ा घूम लेते। और कैसा लग, बोर तो नहीं लग रहा ना? अच्छा अच्छा ये, हाँ ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।